ईमान ऐसी दौलत है जो छुपे नहीं छुपता, छुपे नहीं छुपता, वो नजर आता है। जहां नजर आता है वहां रोशनियां फैल जाती। मैं जब से कॉलेज छोड़ा मैं कभी होटलों में नहीं गया। ये 5-स्टार होटल का उस वक्त हम जाया करते थे जब कोई वहां जाने का नाम नहीं लिया करता था। छोटी उम्र में लाहौर चले गए, माँ बाप जेब में पैसे डाल देते थे, वो समझते थे पढ़ रहे हैं, हम कुछ और कामों में होते थे। तो फिर उसके बाद मैं जिंदगी में पहली दफा गया, हमारे एक दोस्त थे उनकी बेटी की शादी थी, तो मैं कभी नहीं जाता ऐसे मौकों पर, इस किस्म की जगह पर। लेकिन उसने मेरी इतनी मिन्नत की कि मैं शर्मिंदा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आ जाऊंगा। और फिर उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि वहां सारा अलग अलग है, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का अलग है, पीसी लाहौर में। तो मैंने कोई 30-32 बरस के बाद उस होटल में कदम रखा। माजी के धुंधलकों में झांकते झांकते कितनी सुबहें कितनी शामें वहां गुजरी हुई थी गफलत की। तो मैं जब वहां से निकलने लगा खाने के बाद, तो औरतें निकल रही थीं, अक्सर बेपर्द थीं। तो वहां गैलरी में मुझे किसी ने रोक लिया, मुझसे बात करने लग गया। मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं कुछ और औरतें खड़ी थी। इतने में सबकी नजर पीछे लगी, औरतों की भी मर्दों की भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नजरें पीछे क्यों उठ रही। क्या देखा, मेरे करीब से एक खातून गुजरी जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल बुरके में, हाथों पे भी दस्ताने थे और पांव में जुराबें थीं, और एक बिल्कुल सादा सा बुरका उन्होंने पहना हुआ था। जब वो गुजरी है तो एकदम सन्नाटा छा गया, सारे औरतों पर भी सारे मर्दों पर भी। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ये हक है, ये सूरज जब चमकता है तो हर एक को उसकी रोशनी नजर आती है। वो औरत इतने एतमाद से गुजरी, वरना ऐसे माहौल में तो जिन्होंने पर्दे किए होते हैं वो पर्दे उतार देते, सर से दुपट्टे उतार देते। वो उसमें इस तरह गुजरी, ओहो, सबकी नजरें शर्मो हया से झुक गईं। वो औरतें जिनके दुपट्टे कहीं जा रहे थे उनकी भी नजरें शर्मो हया की वजह से झुक गईं। ये मुसलमान औरत की पहचान है, ये फातिमा की बेटी है, ये खदीजा की बेटी है।